हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनाउत। और आज हम बात करेंगे जो सेरेबेलम है उसके लेसन के बारे में बात करेंगे। तो या लेसन्स बोलूँ या इसके डिसफंक्शंस के बारे में बात करूँ, तो इससे जो पहले जो दो वीडियो थे, फर्स्ट वीडियो के अंदर जो सेरेबेलम का उसके अंदर मैंने उसके फंक्शन के बारे में बात की, सेकेंड वीडियो के अंदर उसके जो कनेक्शंस हैं उनके बारे में बात की, और इस वीडियो के अंदर इसके लेसन के बारे में बात करूंगा, डिसफंक्शन के बारे में बात करूंगा। यही एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो जो वॉलंटरी मोमेंट है वो डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो अपन को पता है कि जो सेरेबेलम है ये वॉलंटरी मोमेंट को कंट्रोल करता है। तो अगर ये सेरेबेलम अगर लॉस हो जाता है तो जिसकी वजह से जो इसका जो वॉलंटरी मोमेंट है उसके अंदर भी डिसफंक्शन हो जाता है। डिसफंक्शन हो जाने की वजह से दो कंडीशन हो जाती है, एस्थेनिया कंडीशन हो जाती है, कैटेक्सिया कंडीशन हो जाती है। एस्थेनिया कंडीशन के अंदर क्या हो जाता है कि जो मोमेंट है वो फ्लेबनेस हो जाता है, मतलब मसल्स है वो टायर्ड हो जाती है रेडली, मतलब जो मसल्स है वो धीरे धीरे स्लोली स्लोली काम करेगी, करेक्ट। उसके बाद में जो वॉलंटरी मोमेंट है वो एक बहुत धीरे धीरे होगा, कैरीड होगा स्लोली। एटेक्सिया कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर इनकोऑर्डिनेशन होता है मोमेंट। मैंने कहा था कि वहाँ पे जब वो बताया था फंक्शन, तो फंक्शन के अंदर मैंने बताया था कि जो सेरेबेलम है ये क्या करता है कि जो सेरेबेलम कॉर्टेक्स ने जो मतलब जो चीज़ इस अब ये क्या करता है सेरेबेलम, ये हमारे कोऑर्डिनेशन मोमेंट को कंट्रोल करता है। अब जब कोऑर्डिनेशन मोमेंट को कंट्रोल करता है तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि अगर वो जो सेरेबेलम कॉर्टेक्स ने जो काम सोचा और काम हुआ दूसरा, तो उसके जो कोऑर्डिनेशन मोमेंट में ये मतलब बिगड़ जाएगा। तो अगली बार से वो कोऑर्डिनेशन मोमेंट में को भी ध्यान रखेगा। तो उस वह चीज़ें वहाँ पे बताई थी, तो इनकोऑर्डिनेशन मोमेंट हो जाता है। उसके बाद में जो पोस्चर की अगर बात करूँ तो वो पोस्चर का डिस्टरबेंस हो जाता है। अगर पोस्चर का डिस्टरबेंस की अगर बात करूँ तो इसके अंदर सबसे पहले हो जाता है एटोनिया और हाइपोटोनिया। एटोनिया और हाइपोटोनिया ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर जो मस्कुलेचर होता है वो उसका जो टोन है वो डिक्रीज हो जाता है। सेकेंड अगर बात की जाए तो सेकेंड कंडीशन है निस्टेगमस। निस्टेगमस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो फ्लॉक्युलो नोडुलर जो नोड होता है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है यहाँ पे, और ट्रिमर्स हो जाता है आई बोल्स के अंदर, और डिफिकल्टी हो जाती है इक्विब्रेलियम के अंदर। क्योंकि मेरे को पता है कि जो सेरेबेलम है ये क्या करता है कि इक्विब्रेलियम को पोस्चर को मेंटेन करके रखता है। अगर इसका अगर डिसफंक्शन हो जाता है जिसकी वजह से जो इक्विब्रेलियम है उसके अंदर डिफिकल्टी होती है। उसके बाद में नेक्स्ट फिफ्थ फंक्शन इसका जो डिसफंक्शन है वो है डीप टेंडन रिफ्लेक्स। डीप टेंडन रिफ्लेक्स ये है कि हाइपटोनिया हो जाता है, मतलब टोन ऑफ मस्कुलेशन है अगर डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो टेंडन जो रिफ्लेक्स है वो वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। इंटेंस एंड ट्रिमर की अगर बात की जाए तो एबनॉर्मल ऑसिलेशन हो जाता है ड्यू टू डैम्पिंग फेलियर। इसका मतलब क्या है कि टू एंड फ्रो मोमेंट होगा वो किस तरह से हो जाता है बता देता हूँ। अगर मान लो ये स्केच कलर है, अब इस स्केच कलर को उठाना है तो जो मेरे हैंड है ये मान लो हैंड है, अब इस हैंड को ये अब जब कोऑर्डिनेशन मोमेंट अब कोऑर्डिनेटर मोमेंट होता है, हैंड क्या करता है कोऑर्डिनेट मोमेंट में रेस्पॉन्सिबल होता है सेरेबेलम, उसमें ये करता। अगर कोऑर्डिनेटर मोमेंट लॉस हो गया तो ये जो हमारा हाथ है वो आगे जाएगा, फिर ये हमारा ब्रेन कहेगा कि पेंसिल पीछे रह गई उसको पीछे ला, तो फिर हाथ पीछे आएगा यहाँ तक, करेक्ट। और फिर वो फिर इसको पकड़ नहीं पाएगा, फिर पीछे आ जाएगा थोड़ा, फिर ये मतलब फिर आगे जाएगा, फिर ब्रेन कहेगा कि यार उसको क्योंकि कोऑर्डिनेट मोमेंट तो लॉस हो गया क्योंकि सेरेबेलम है वो डिसफंक्शन हो रहा है। तो इसको जो इस स्केच कलर को उठाने में मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, करेक्ट। क्यों टाइम लगेगा? क्योंकि डैम्पिंग फेलियर हो गई। अगर डैम्पिंग होती तो मैं फटाक से इस स्केच कलर को उठा लेता क्योंकि कोऑर्डिनेट मोमेंट होता हमारे हैंड का, बट कोऑर्डिनेट मोमेंट ही फेल हो गया क्योंकि डिसफंक्शन हो गया हमारा सेरेबेलम, जिसकी वजह से डैम्पिंग फेलियर हो गई, जिसकी वजह से हमारा हाथ फिर आगे जाएगा फिर पीछे आएगा फिर आगे जाएगा ऐसे फिर पीछे आएगा, तो बहुत टाइम लगेगा थोड़ा इसको उठाने में, करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट फंक्शन है, जो नेक्स्ट डिसफंक्शन है वो है इंटेंस एंड ट्रिमर, एबनॉर्मल ऑसिलेशन बोल बताई दिया अपन ने टू एंड फ्रो डैम्पिंग फेलियर की वजह से। नेक्स्ट है गेट। गेट मतलब ड्रंकन गेट, जो जिग जैग मोमेंट, जब कोई भी किसी भी तरह का जो शराबी होता है
वो शराबी जब शराब पी लेता है तो उसका कोऑर्डिनेशन मोमेंट है वो अल्कोहल का सबसे पहले जो इफेक्ट है हमारे सेरेबेलम पे पड़ता है। सेरेबेलम क्या करता है, कोऑर्डिनेशन मोमेंट को मेंटेन करके रखता है। तो जब अल्कोहल कंज्यूम करता है पर्सन, तो जिसकी वजह से जो कोऑर्डिनेट मोमेंट बिगड़ जाता है, और कोऑर्डिनेट मोमेंट बिगड़ जाता है जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि एक जिगजैग लाइन में मूव करता है, क्योंकि हाइपोटोनिया हो गई, मतलब मस्कुलेचर ऑफ टोन है वो डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो ड्रंकन गेट हो जाती है। स्पीच की अगर बात करो तो स्पीच स्लो हो जाती है और लेलिंग हो जाती है। लेलिंग मतलब बेबी लाइक जो उसकी जो स्पीच है वो हो जाती है। तो इस वीडियो के अंदर जो इसके जो डिसफंक्शन थे सेरेबेलम के वो अपन ने देखे, उसके लेजन के बारे में बात की। तो और ये जो हमारा सेरेबेलम है इसके इतने ही तीन पॉइंट पूछते हैं, इसके फंक्शन, इसके कनेक्शंस और इसके लेजन्स। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल, और इन सभी के जो सेरेबेलम के नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं वहाँ से आप देख सकते हो। थैंक यू।